हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर नंबर 3 है हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो है, यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा टोटली कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पे कि हमारा ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का, ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा भी हमने जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, यानी आपका ज्योग्राफी है और जो आपका सिविक्स होता है, उसकी भी शुरुआत हम जल्द से जल्द कर देंगे। तो आपको बस हमारे वीडियो सेक्शन को और प्लेलिस्ट सेक्शन को कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा उसके हिसाब से कि क्या आपको वीडियोज मिल रहे हैं। और साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं दोस्तों कि इसके अलावा साइंस और मैथ्स सब्जेक्ट के आपके टोटल सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स होते हैं हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं ऑलरेडी, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी और 11th के लिए भी कुछ वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप जरूर से प्लेलिस्ट चेक करते रहना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। और एक और जो चैनल है हमारा सेकंड चैनल, जिसका नाम है JR टॉक्स, उसमें भी हम आपके लिए डेली बेसिस पे अभी वीडियोस बना रहे हैं। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाल रहे हैं हम लोग, खासकर अभी हमने कुछ अर्निंग रिलेटेड वीडियोस भी डालना शुरू किया है, ताकि आप लोगों को कुछ इसके बारे फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में भी पता चल जाए। तो वैसे कुछ वीडियोस इन्फॉर्मेशन वाले वहां पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी जरूर से हमें फॉलो कर लेना, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है हमारा जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, दैट इज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो आपको याद होगा कि जो हमारे जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है ना? हमने देखा है कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, 3 होता है। पहला जो सोर्स था वो आपका मटेरियल सोर्स था, दूसरा जो सोर्स था रिटन सोर्स था। ये ऑलरेडी दो चीज हमने देख लिया था लेक्चर बाय लेक्चर। और आज हमें बात करना है हमारे तीसरा और आखिरी टाइप का सोर्स, जिसका नाम है ओरल सोर्स। तो ये जो ओरल सोर्स है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, एंड ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं जिसका नाम है दोस्तों ओरल सोर्स। ठीक है, अब ये ओरल सोर्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, जैसे आपने देखा था मटेरियल सोर्स, यानी कि जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है, पैलेस होता है, ऑफिसेस होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, स्टैचूज होते हैं, मेमोरियल्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? मटेरियल सोर्स है। रिटन सोर्स हमने देखा, स्टैम्पेज देखा, फिर हमने न्यूज़पेपर देखा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो किस में आ गया? रिटन सोर्स में आ गया। ओके, अब ओरल सोर्स में ऐसे सोर्स को कंसिडर किया जाता है जो हम लोग मुँह से बोल सकें, यानी कि कुछ चीज़ें हम बता सके। ओरल का मतलब क्या होता है? दैट इज माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन, यानी कि मैं किसी चीज़ को बता रहा हूँ, किसी के बारे में बता रहा हूँ, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन, करेक्ट है? तो वो जो सोर्सेस रहेगा जो पुराने जमाने के लोगों ने किसी भी तरीके से अपने न्यू जनरेशन को बताया होगा, उसके न्यू जनरेशन ने उसके न्यू जनरेशन को बताया होगा, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन जो मैसेज, जो इंफॉर्मेशन, जो सोर्स जो है हिस्ट्री का, वो पास हुआ रहेगा और आज हम पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे 200 साल पहले जो भी चीज हुआ तो वो मुझे कैसे पता है? वो हमने कहीं ना कहीं सुना है। किसके मुंह से सुना है? मेरे फादर ने बताया होगा कि हाँ, हम लोग जब अपने जमाने में थे, यानी कि जब आप लोग के एज के थे तो वो टाइम पे जमाना कुछ और था। उनके फादर ने बताया होगा कि हम लोग जब थे आपके एज के, तब हमारे इंडिया जो है इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था। उनके फादर ने उनको बताया होगा कि जब हम लोग पहले थे तो वो टाइम पे बहुत ज्यादा ब्रिटिश का राज हुआ करता था, बहुत जुल्म होते थे। फिर उनके फादर ने उनको बताया होगा कि यार, हमारे टाइम पे तो मुगल्स हुआ करते थे, जो मुगल्स थे वो पूरे इंडिया पे कब्जा करके बैठे थे एंड बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट किया था। तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब चीजें हमें कहां से पता चली है? हमारी जनरेशन से पता चल रही है। ये एक तरीका है मैसेज पास करने का। फॉर एग्जाम्पल, आज के जमाने में जो चीज़ मुझे पता है वो मैं क्या करूँगा? अपने बच्चों को बताऊंगा, आप लोग के जो बच्चे होंगे आप लोग उनको बताओगे, फिर उनके बच्चे उनको बताएंगे, तो ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन पास होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ओरल सोर्स बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ कि ये जो ओरल सोर्स होता है, इसमें सबसे पहला मैं बात करूँगा दोस्तों, वो होता है दोस्तों फोल्क टेल्स। फोल्क टेल्स मतलब क्या होता है? कहानियां। जैसे कि अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग रिवाज होता है, कल्चर होता है, उनका ट्रेडिशन होता है, तो उनकी कुछ कहानियां भी होती है। जैसे कि कुछ हिंदू की, हिंदू धर्म की कुछ अलग कहानियां हैं, ठीक है ना? खासकर हिंदू में भी कैटेगरीज होते हैं, कोई बंगाली है तो कोई गुजराती है तो कोई लाइक यूपी साइड का है, नॉर्थ इंडियन है, कोई महाराष्ट्रियन है, तो ऐसे अलग अलग टाइप के हिंदू होते हैं, तो उनके अलग अलग कहानियां होंगे। वही तो वो जो कहानियां होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोल्क टेल्स। फिर एक और चीज़ होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं फोल्क डांस। ठीक है, फोल्क डांस क्या होता है? फोल्क डांस इज नथिंग बट अलग अलग ट्रेडिशंस के हिसाब से लोग अलग अलग डांस करते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा कि अलग अलग जगह पे आप जाओगे तो अलग अलग तरीके से जो है ना वो ये होता है, डांस करते हैं लोग। महाराष्ट्र में कुछ अलग फेमस है, आप आसाम में जाओगे तो कुछ अलग है, बिहू शायद बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज, जैसे महाराष्ट्र में लेजिम काफ़ी फेमस है, इतना मुझे पता है। ठीक है, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है डांस के फॉर्म में, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सर्च करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि अलग अलग स्टेट में, जैसे गुजरात में नवरात्रि काफ़ी खेला जाता है, यानी कि डांडिया गुजरात में ज़्यादा फेमस है। तो ऐसे अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग टाइप पे डांस होते हैं, उसको हम लोग फोल्क डांस बोलते हैं। ठीक है, फोल्क टेस हो गया। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक है,
फोल्क फोल्क टेल्स पढ़ लिया, फोल्क डांस देख लिया, अब फोल्क सॉन्ग्स भी होते हैं। अब जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरल पढ़ रहे हैं, तो डांस क्या है हम लोग देख सकते हैं उसको, फिर भी इसको ओरल सोर्स में गिना जाता है, लेकिन मेन क्या है, टेल्स यानी कि कहानी की फॉर्म में सुना रहा। और सॉन्ग, सॉन्ग्स मतलब क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके से लैंग्वेज यूज करते थे, अलग अलग कल्चर्स के जो भी चीज होते थे वो लोग एक 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 तरीके से बोल सकते हैं पोयम के फॉर्म में, ठीक है ना, ऐसा पोयम के फॉर्म में, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से गाने के फॉर्म में, जैसे आज के डेट में जो बॉलीवुड के गाने होते हैं तो वो तो चलो स्क्रिप्टेड होते हैं, वो जमाने ऐसे कुछ गाने जो है वो लाइक लोग बताते थे, अपने पेरेंट्स जो थे वो दूसरे को बताते थे, वो उनके बताएंगे, ऐसे धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो पास होता था। फिर इसके अलावा अगर बात करें प्रोवर्ब्स यानी कि मुहावरे, ठीक है ना, मुहावरे होते थे, ठीक है ना, लोग बोलते थे, जैसे कि आपको पता ही एक फेमस मुहावरा है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे मुहावरे सो आपको मिलेंगे, जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, बहुत सारे मुहावरे मुझे याद आते हैं कभी कभी कि यार कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये भी क्या एक मुहावरा है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मुहावरे आपको पता ही होगी, ठीक है ना, कि फूक फूक के कदम रखना, ये भी एक मुहावरा है, तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुहावरे आपने पेरेंट्स से पूछना कि कौन कौन से मुहावरे, तो उसको प्रोवर्ब्स बोलते हैं। तो ये जो मुहावरे हमारे पास आए हैं जो मैंने बोला अभी, ये मुझसे कहां से पता चला, कहीं ना कहीं मैंने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना रहेगा, उन्होंने कहां से सीखा होगा, उनके पेरेंट्स से सीखा होगा, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन पास हो रहा है, तो इसके लिए इसको ओरल सोर्स में कंसिडर किया जाता है। और क्या होता है, एक और चीज इसके अंदर कंसिडर होता है जिसको बोलते हैं बैलेट्स, ठीक है, तो बैलेट्स का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत लोग कम लोग को पता है, तो बैलेट्स इज नथिंग बट एक तरीके का पोयम होता है, ये आपको याद रखना है, पोयम यानी कि जो लोग कविताएं सुनाते हैं, यानी कि कुछ शेर व शायरी जो करते हैं ना पोयम के फॉर्म में, दैट इज नोन एज अ बैलेट्स। तो बैलेट्स भी जनरेशन बाय जनरेशन पास होता था और लोग इसके बारे में चर्चा करते थे। फिर अगर नेक्स्ट अगर बात करूं तो ओविस होता था, ठीक है, क्या होता है ओविस, ठीक है ना, ओविस स्पेलिंग देख लो, इसको बोलते हैं मराठी का वर्स, यानी कि कुछ लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज में कुछ शब्द बोलना, कुछ सेंटेंसेस बोलना, ठीक है ना, शेर और शायरी बोलना, तो उसको हम लोग बोलते थे ओविस, ठीक है ना, मराठी मध्ये त्याला ओविस म्हणतात, ठीक है, तो मराठी वर्स इसको हम लोग बोलते हैं, करेक्ट है, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गया, ओके। और भी ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज थे, एक्टिविस्ट थे, यानी कि वो जमाने में जो लोग फ्रीडम फाइट के स्ट्रगल में शामिल होते थे, या फिर फ्रीडम होने के बाद, क्योंकि हम लोग तो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के टाइम पे पढ़ रहे हैं ना, तो इंडिपेंडेंस होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग जो थे जो एक्टिविस्ट थे, यानी कि पुराने जमाने से उनके ताल्लुकात थे, तो वो लोग क्या पाउडास वगैरह का भी जिक्र करते थे, ठीक है, आपने ये चीज तो सुना ही होगा, ठीक है ना, इसके पहले आपने जितने भी हिस्ट्री पढ़े उसमें पाउडास का मेंशन किया होगा हमने, तो पाउडास वगैरह होते थे अलग अलग लैंग्वेजेस के, खासकर महाराष्ट्र में, तो ये फॉलो किया जाता था। और जब हमारा ये जो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट जब था, ठीक है ना, आपको पता है ना संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट, तो उसमें जो लोकशाहीर अन्नाभाऊ साथे जो थे और साथ ही में शाहीर अमर शेख, तो इन्होंने कुछ ऐसे पाउडर्स वगैरह का जो है जिक्र किया था, एंड उसके आगे लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, करेक्ट है। तो ये कुछ थे हमारे ओरल सोर्स, यानी कि इतने सारे टाइप के हमारे ओरल सोर्स हैं जो नॉर्मली हमारे हिस्ट्री में पढ़े गए हैं, और वो चीज़ आज भी हम फॉलो करते हैं, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में पता चलता है, क्लियर है, सॉरी माफ करना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ये तो आपको समझ में आ गया ओरल सोर्स में क्या क्या चीज़ें थे। नेक्स्ट टॉपिक अगर मैं बात करूँ सिंपल तरीके से, वो होता है दोस्तों ऑडियो विजुअल सोर्स, ठीक है ना, ये मैंने एट्थ में भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, ऑडियो विजुअल सोर्स, ये कौन सा टाइप का सोर्स है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं ऑडियो का मतलब क्या होता है, अगर आपने देखा होगा मैंने ये चीज़ एट में भी बताया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैप्टर का नाम भी सेम है तो कुछ कुछ चीज़ें कॉमन हो जाएगी। तो ऑडियो का मतलब क्या होता है, साउंड, सभी को पता है ऑडियो का मतलब होता है साउंड, और जो विजुअल आ गया तो विजुअल का मतलब आ गया वीडियो, यानी कि हम कुछ देख भी पा रहे, तो जब ये दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, ऑडियो विजुअल, यानी कि साउंड के साथ साथ वीडियो भी देखना। तो आज के डेट में जो वीडियो देखते हैं हमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो वो जमाने में क्या हुआ कि जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, तो वो जमाने में क्या होने लगा कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वो बिल्डअप करने लगी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, तो टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण बहुत सारी जो चीज़ें होती थी, इवेंट्स होती थी, घटनाएं होती थी, कुछ इवेंट्स हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, तो ये सब चीज़ को रिकॉर्ड किया जाता था बाय मीन्स ऑफ सम वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, कैमरास वगैरह भी डेवलप हो गए थे वो टाइम पे, तो इसको क्या करते थे, रिकॉर्ड्स करते थे। और वो टाइम पे टेलीविजन्स भी आ गए थे, ठीक है ना, टेलीविजन्स, ठीक है, टेलीविजन्स, और वो टाइम पे सबसे पहले मैं बता दूं टेलीविजन जो आए थे वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आए थे, आपको पता होगा ये सब चीज मैंने बहुत बार जिक्र किया है। तो टेलीविजन्स हो गया, फिर रेडियो होते थे वो जमाने में, ठीक है ना, टेलीविजन्स, रेडियो, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी दोस्तों जिसके हेल्प से लोग क्या करते थे, ऑडियो विजुअल क्लिप्स, यानी कि समझ लो टीवी देख रहे तो उनको दिखाई भी दे रहा है, एट ए टाइम सुनाई भी दे रहा है, तो वो लोग को काफी मजा आता था कि यार जो चीज हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो हम लोग को रियल लाइफ में देखने मिल रही है टीवी पे। जैसे आज हम लोग देखते हैं तो चलो गाना देख लिया, टीवी देख लिया, सीरियल देख लिया, क्रिकेट मैच लाइव देख सकते, तो वो जमाने में जो चीज पॉसिबल था वो हो पाता था, ठीक है। तो ये सब चीज किसके वजह से पॉसिबल हुआ, फिर धीरे धीरे क्या आ गया, एक बहुत ही खतरनाक चीज आ गया जो आज के डेट में हम लोग के लिए सबसे जरूरी है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट यानी कि आपका जो नेट होता है, सबको पता है
ठीक है ना, डेटा, तो वो चीज आ गया। इसके वजह से ऐसे बहुत सारे काम जो है जो पेंडिंग थे, बहुत सारे काम ऐसे जो नामुमकिन लगते थे, आज के डेट में बहुत ज्यादा सिंपल हो गए, ठीक है ना। तो ये सब चीज होने लगा, और इसके साथ में टीवी पे बहुत सारे चैनल्स बनाने लगे लोग हिस्ट्री के लिए चैनल बनाने लगे कि हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, फिर ठीक है ऐसे बहुत सारे जो चैनल्स है जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज, एंड ऐसे बहुत सारे चैनल जो है वो क्रिएट होने लगे, ठीक है ना। डिस्कवरी चैनल आपको पता है, हिस्ट्री डिस्कवरी, ठीक है ना, ये सब चैनल की जो है शुरुआत हुई, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्रिएट करते थे कुछ चीज़ें, ताकि लोग जो आम जनता लोग हैं, जो आम जनता है ना, उसको यहाँ पे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, क्योंकि वो जमाने में ऐसे पॉपुलेशन में इतने सारी पॉपुलेशन थी, तो उसमें बहुत गिने चुने ही लोग थे। मतलब 1 लाख में सिर्फ कोई एक ही लोग होगा, या फिर 10 लाख में कोई एक ही लोग होगा जिनके घर में टीवी होगा, तो ऑब्वियसली सिर्फ वही देख पाएगा। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि किसी एक के घर में भी टीवी रहेगा तो सब जाते थे, मिलकर देखते थे कि यार कुछ तो आ रहा है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि फॉर एग्जाम्पल वो टाइम पर रामायण जब शुरू हुआ था 1980s के टाइम पे, 80s 90s के टाइम पे, तो रामायण जब शुरू हुआ था तो वो टाइम पे लोग को बहुत क्रेज था यार, पहली बार ऐसा कुछ हुआ, तो लोग मतलब मेरी मम्मी बताती है मेरे को कि मेरी मम्मी भी लाइक वो जमाने में मेरे मम्मी के घर पे जब टीवी हुआ करता था वो जमाने में, ठीक है ना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो लोग अलग अलग जगह से आते थे उनके घर पे देखने के लिए टीवी कि यार रामायण आ रहा है, रामायण आ रहा है। तो ये सब चीज का क्रेज अलग लेवल पता, आज हम लोग उसका इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज सब हमारे हाथ में, हमारे एक फिंगर टिप में, हम जो चाहे वो सर्च मार के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन वो जमाने में नहीं था। तो स्ट्रगल भी किया है वो जमाने के लोगों ने, तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है दोस्तों। तो ये था हमारा ऑडियो विजुअल सोर्स का टॉपिक। अभी एक और टॉपिक हमें पढ़ना है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों FTI, ठीक है ना, FTII, ठीक है ना। FTII का मतलब क्या होता है, दैट इज इसका एक फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैं वो भी लिखा देता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, दैट इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। और वो भी किस में रहेगा इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली फिल्म है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरा जो चैप्टर है हमारा किसके बारे में, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है वो किसका रहेगा, इंडिया का रहेगा, ठीक है ना, फिल्म एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो FTII बोलते हैं इसको, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये होता क्या है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके कंट्रोल में फिल्म्स वगैरह बनाना होता है। जैसे आज के डेट में हम लोग कोई भी पिक्चर बनाना है तो हमें कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, चलो यूट्यूब चाहिए, चलो कुछ अलग बॉलीवुड का प्लेटफॉर्म चाहिए, OTT प्लेटफॉर्म चाहिए, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें वेब सीरीज वगैरह निकलती है, तो कुछ ऐसे ये आज भी देखा जाए तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देख रखाव करता था, देखता था कि लोग किस तरीके का मूवीज क्रिएट कर रहे हैं या फिर फिल्म बना रहे। तो वो जमाने में होता क्या था, 1960 की बात है, ये जो इंडियन जो मैं बात कर रहा हूँ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये पुणे में 1960 में बनाया गया था, और इसका मेन मकसद ये था कि हम कुछ ऐसे चीज़ें क्रिएट करेंगे वीडियो के फॉर्म में या फिर फिल्म के फॉर्म में जिससे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन मिल सके, यानी कि इसका जो मेन क्रिएशन हुआ था वो पब्लिक को इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हुआ था, क्योंकि सभी को मालूम था कि जब टीवी रहेगा, फिल्म रहेगा, तो फिल्म जब लोग देखेंगे तो उसके बदले में उनको क्या मिलेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी चीज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज हो गया, नथिंग एल्स, लेकिन वो जमाने में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता था ये सब चीज़ का, यानी कि लोग जागरूक रहे, अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट रहे, और सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चले, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता था कि उनको तो नेता कैसा दिखता है वो भी नहीं मालूम होता था, कि अगर कोई इंदिरा गांधी है, कोई हमारे राजीव गांधी है, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर है, कि उनका शक्ल कैसा दिखता है वो भी बहुत लोगों को नहीं पता था, क्योंकि आम जनता के लोग गांव में रहते थे वो टाइम पे, बहुत कम लोग जानते थे। तो जिनके घर में टीवी देखते थे, फिल्म आते थे, ऐसे चीज़ देखते देखते धीरे धीरे क्या आने लगा, उनके शक्ल कैसी दिखती है, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या, ये सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी आम जनते जो लोग हैं, आम नागरिक जो है, उनको पता चलने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। फिर और अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारे अलग अलग इंडियन फिल्म्स को ऐसे रिव्यूज़ देते थे कि ये किस प्रकार का है, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर पिक्चर्स बनती थी, फिल्म बनती थी। जैसे कि अगर नॉर्मली अगर बात करें हम लोग कुछ इवेंट्स की, तो कुछ पॉलिटिक्स के ऊपर बन गई कभी, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिक्स पार्टी है, इसके ऊपर बन गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको देखने मिलेगा। कुछ सोशल इशू चल रहा है, मतलब सामाजिक कुछ इशूज़ चल रहा है, ठीक है ना, सामाजिक इशू चल रहा है, आर्ट्स चल रहा है, ऐसा कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें अगर नॉर्मल तौर पे बात करें, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब जितने भी चीज़ें होती थी उसके ऊपर अलग अलग से फिल्म यहाँ पे बनाने की वो लोग कोशिश करते थे। और ये डिपार्टमेंट क्या करता था, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में ज़्यादा फोकस होता था। व्हाट डू मीन बाय डॉक्यूमेंट्रीज, यानी कि सच्ची घटना पर आधारित पिक्चर। आपको पता है डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या होता है, आप जो भी पिक्चर देखते हो, जैसे कि MS धोनी पिक्चर बनी थी, तो वो क्या एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, यानी कि एक किसी इंसान के ऊपर बनाई गई है, किसी घटना के आधार पर बनाई गई है, तो उसको डॉक्यूमेंट्री मूवी कहा जाता है। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह वो जमाने में बनाई जाती थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, या फिर कुछ स्पेशल इंसान के ऊपर, ऐसे जो चीज़ें थी वो बनाई जाती थी, खासकर लीडर्स के ऊपर।
ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो है वो आम जनता, आम लोग जो होते थे, नागरिक होते थे, उनको पता चलता रहता था, ठीक है। और ये जो न्यूज़ होती थी ये रिलीज करती थी अपनी फिल्म्स को डॉक्यूमेंट्रीज के फॉर्म में रिलीज करती थी, ताकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन, खासकर हिस्ट्री के इंफॉर्मेशन भी आम जनता, आम लोगों को पता चल सके, क्योंकि एजुकेशन उतना वो टाइम पे था नहीं कि लोग सब लोग पढ़ते थे, वो जमाने में एजुकेशन जो रेट था हमारे इंडिया में वो कम था, क्योंकि लोग थोड़े कम पढ़ाई करते थे। आज के रेट में भले लाइक 70-80% होगा, मुझे पता नहीं कितना है, लेकिन इतना ज़्यादा लोग पढ़ते ही है ना, हर घर में बच्चा तो पढ़ता ही है एटलीस्ट, ठीक है ना, अनलेस एंड बहुत ज़्यादा गरीब ना हो तो वो पढ़ लेता है आराम से, ठीक है। लेकिन एक ज़माना था जिसमें लोग पढ़ते नहीं थे, तो पढ़ते नहीं थे तो उनको हिस्ट्री के बारे में पता चलता नहीं था, तो वो ज़माने में ये जो पिक्चर, ये जो डॉक्यूमेंट्रीज होती थी लीडर्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, यही उनको हेल्प करती थी, ताकि उनको पता चल जाए कि यार हिस्ट्री में हमारे क्या हुआ है और क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करें, यही था हमारा टॉपिक जिसमें हम लोग ने पढ़ा ओरल सोर्स क्या होता है, ऑडियो विजुअल सोर्स क्या होता है, और FTI यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या होता है, ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया आज के इस वीडियो में। एंड जाते जाते यहाँ पे और एक चीज़ बोलूँगा कि अगर हम बात करें कि टिल नाउ हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अगर हम बात करें कि जो हमारा 21st सेंचुरी आ गया, यानी कि ये जो चीज़ हमने पढ़ा ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम का पढ़ा, यानी 1947 के बाद हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें हुई, तो कुछ चीज़ें हमने बता दी ऑलमोस्ट, ठीक है ना, धीरे धीरे सोर्सेज के हिसाब से क्या हो रहा था। लेकिन जैसे 21st सेंचुरी आ गया, यानी 2000 जो 2000 ईयर जो था वो क्रॉस करने के बाद हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गया, यानी कि हमने टेक्नोलॉजी में इंप्रूव कर लिया, डेटा हमने बना लिया, इंटरनेट बना लिया, सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करना शुरू कर दिया, एंड सो मेनी लोग जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू यानी पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दिया, एंड बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे काबिल अफसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे जाने लगे, आउट ऑफ इंडिया जाने लगे, नासा में काम करने लगे, इसरो में काम करने लगे, एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और हमारा जो इंडिया है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करने लगा, यानी कि बोलते ना हमारा देश बदल रहा है, ऐसा कुछ तो है ना, तो वो हमारा देश बदलने लगा धीरे धीरे, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वॉज टेलीफोन। आपको पता है दोस्तों, एक ज़माने में हम लोग टेलीफोन यूज़ करते थे, क्या यूज़ करते थे, टेलीफोन। हम लोग को अगर किसी को भी फ़ोन करना पड़ता था तो हम लोग एक जगह जाते थे, उसमें नंबर्स होते थे, उसको डायल करते थे, या तो वो गोल रहता था ऐसा, तो 6-5-4 ऐसा करके हम लोग डायल करते थे, करेक्ट है, आपको याद होगा, मेरे घर में था, बहुत पुराना, जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे याद है कि मेरे घर में एक डब्बा वाला टेलीफोन हुआ करता था, करेक्ट है। तो डब्बा वाला टेलीफोन से हमने डेवलपमेंट कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया, और आज के डेट में हमारे पास खुद का सेलफोन्स होते हैं, यानी स्मार्टफोन्स होते हैं, और हम बैठे बैठे यहाँ से कहीं पर भी देश के कोई भी कोने में बात कर सकते हैं, कहीं से भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, एंड कुछ भी इंफॉर्मेशन, और खासकर आप लोग, ठीक है ना, हमारे जो पढ़ाने, जो हम पढ़ा रहे, जो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे मेहनत करके वीडियोस डाल रहे हैं, वो भी आप कहीं भी कोने में बैठ के आप वीडियोस देख सकते हो। तो ये सुविधा जो आई वो कैसे आई 2000 सेंचुरी में, जो मतलब 21st सेंचुरी में 2000 जो ईयर था उसके बाद आई, यानी कि एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इंडिया में खासकर देखा गया, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है जिनकी लाइफ जो है वो चेंज होने लगी। तो यही सब चीज़ें हिस्ट्री में, और जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर के अंदर, मतलब चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया नॉर्मली, लेकिन जैसे जैसे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर, यानी आप 9th में हो, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यानी चैप्टर 2 आएगा 3 आएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम और ज्यादा डेवलपमेंट कैसे होते गया हमारे हिस्ट्री में, और इंडिया कैसे आगे बढ़ते गया, वैसे बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर, आई मीन इस स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। तो बस दोस्तों, यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, एंड दोस्तों आपको बता दूं इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है, ठीक है ना, ओरल सोर्सेज एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज, ये होता है समाप्त, और इसी के साथ हमारे जो चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दोस्तों, ये भी होता है समाप्त। तो फाइनली हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, पहला चैप्टर हिस्ट्री का, ये होता है खत्म। जल्द से जल्द और भी ऐसे आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे हम, जल्दी से जल्दी बाकी सब्जेक्ट्स भी स्टार्ट कर देंगे आपके लिए, मतलब मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, तो वो भी आपको देखने मिल जाएगा, लेकिन आप लोग बस कंटिन्यू बने रहो हमारे साथ, क्योंकि देखो ये चैनल पे ना कंटेंट की कभी कमी नहीं होने वाली है, इतना मेरा आपके लिए एश्योरेंस रहेगा। जब तक मेरे अंदर जान है तब तक आपके लिए वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, लेकिन आपको एक और चीज़ करना है, जो भी हम वीडियोस डालते हैं उसको प्यार देना है, कंटिन्यूअसली देखना है पूरा का पूरा, और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा, जो मेरा ड्रीम है वो आप लोग ही पॉसिबल बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो साइंस और मैथ्स ऑलरेडी हमने पूरा सिलेबस चैप्टर का अपलोड करके रखा है, उसको देखना मत भूलिएगा, हर चीज अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर, तो प्लीज जाइए प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों, बता दो यार पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, देख लो आके, सिर्फ 3 लेक्चर में हमने फटाफट से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।